हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम रिव्यू एंड डेमो करने वाले हैं नायका गो फॉर ग्लो लिफ्टिंग फेस मास्क का। एंड ये मैंने आपको अपनी नायका हॉल में दिखाया था। नायका ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया है, सो इसका डेमो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले जब भी आप कोई भी मास्क लगाएं तो आपको अपने फेस को क्लीन करना होता है, चाहे आप क्लिंजर की हेल्प से करें या फिर फेस वॉश की हेल्प से, जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे एंड 100% ड्राई करेंगे। और उसके बाद हम ये मास्क लगाएंगे स्पैचुला की हेल्प से। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप फिंगर का यूज़ करें, ब्रश की हेल्प से ना लगाएं, क्योंकि ये ब्रश से उतना अच्छा नहीं लगता और आधे से ज़्यादा ये जो है वो ब्रश में ही रह जाता है। तो आपको स्पैचुला की हेल्प से अप्लाई करना है। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप वुडन स्टिक जो होती है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। और लगाने की टेक्निक आप देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आप चिक्स एरिया पे लगाएंगे एंड फोरहेड पे आप लेफ्ट एंड राइट साइड पे लगाएंगे। लगाने का जो तरीका है वही सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से लगाएंगे तो ये लिफ्ट नहीं करेगा आपके स्किन को। सो नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे एंड अपर लिप पे आप देखेंगे कि हेयर का जो एरिया है हाफ राइट एंड हाफ लेफ्ट, एंड ये पूरे फेस पे हम अप्लाई करेंगे। और इसको मैं अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और अगर ये तब भी ना सूखा तो उसके लिए मैं 5-10 मिनट के लिए और इसको ड्राई करने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि बीच में हमें इसको रिमूव नहीं करना। जहाँ अगर ये गीला हुआ तो रिमूव भी नहीं होगा और अपना बेस्ट रिजल्ट भी नहीं देगा। सो गाइज, यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये कहीं कहीं पे हल्का सा वेट है, तो मैं 5-10 मिनट के बाद छोड़ने के बाद मैंने इसको रिमूव करना शुरू किया है। इसको फोरहेड से रिमूव करेंगे, कभी भी नीचे से रिमूव नहीं करना है इसको। और मैं दूसरे हाथ से अपने स्किन को स्ट्रेच कर रही हूँ और एक हाथ से इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। इसको आपको लेके फटाफट उतारना नहीं है, आपको साथ साथ अपनी स्किन को स्ट्रेच करते रहना है। या आप खुद लगाएं या अपने क्लाइंट को अगर आप लगा रहे हैं तब भी प्रोसीजर सेम ही रहेगा। आपको स्किन को स्ट्रेच करना है एक हाथ से और एक हाथ से आपको रिमूव करना है, अदरवाइज़ ये आपके स्किन को लिफ्टिंग की बजाय और लूज़ कर देगा। और जब ये पूरा क्लीन हो जाए उसके बाद हम नॉर्मल वाटर से अपने फेस को रिंस कर लेंगे एंड वाइप करके इसको हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पे। सो गाइज, यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट ये देखिए, यहाँ पे हल्का सा मुझे वेट लग रहा है, तो मैं इसको आराम से अपनी फिंगर की हेल्प से इसको मैं रिमूव कर दूँगी, या फिर आप वेट क्लोथ की हेल्प से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद हम वाटर से इसको रिंस कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने रिंस कर लिया है नॉर्मल पानी से अपने फेस को, और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ इसको। एंड जब अच्छे से वेट हो जाएगा तो मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। एंड गाइज, यहाँ पे स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई है, टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है मेरी स्किन का, क्योंकि डेड स्किन की लेयर्स हो जाती है हमारी स्किन पे और जो नेचुरल शाइन होती है वो हाइड हो जाती है उस डेड स्किन के नीचे। तो यहाँ पे एक नेचुरल शाइन, आप देखिए नोज़ पे, चिक्स पे एक नेचुरल शाइन आ गई है। और अगर आप सोचें कि ये ग्लो है तो बहुत ज़्यादा ग्लो ये आपके स्किन को देगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, फेस को लिफ्ट करेगा एंड इसमें इसमें ग्लिटर है तो ग्लिटरी इफेक्ट भी आएगा आपके फेस पे। कुछ टाइम तक आप लगाएंगे तो ग्लिटरी इफेक्ट आएगा, ग्लिटर आपके फेस पे रहेगा। ये देखिए नोज़ पे, चिक्स के एरिया पे कितनी शाइन है। तो जब डेड स्किन हट जाएगी तो नेचुरल ग्लो आपके स्किन का आपको दिखाई देगा। सो इसको आप वीक में एक बार लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया मॉइस्चराइज़र। गाइज, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।